तो हाय गाइस, तो आज के जो आप ये लुक देख रहे हो, ये मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो शूट किया है जो कि है क्लीन गर्ल मेकअप लुक, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। तो उसके लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल सा, इजी सा लुक है, बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ किया है मैंने और इस लुक को क्रिएट किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सब देखिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये लुक। इसमें मैंने बहुत कुछ हैवी कुछ नहीं किया है। आई लुक भी बहुत ही सिंपल सा था, आईब्रो किया, काजल लगाया एंड दैट्स इनफ। हल्का सा थोड़ा लिप्स पे टच दिया है, जस्ट, कुछ हैवी नहीं। और आप देख सकते हो, फाउंडेशन कंसीलर मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, लाइनर। तो ये जो है लुक, आप सबको कैसा लगा आप उस वीडियो में देख के ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आप सबको शेयर करूँगी एक अच्छा सा आई लुक, जो कि आप अभी जो है फेस्टिवल आ रही है, ओणम आ रही है, तो आप चाहो तो, पूजा आ रही है, तो आप चाहो तो उस लुक को क्रिएट कर सकते हो डे टाइम में या फिर नाइट टाइम में, साड़ी के साथ या फिर आप सलवार के साथ, अगर आप लहंगा वो सब पहनना चाहते हो उसके साथ, या फिर आप अगर वेस्टर्न कुछ पहनना चाहते हो उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा ये लुक। तो मैं इस आई लुक को आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैंने आईब्रो पहले ही कर लिया था उस वीडियो में, और काजल भी, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, और काजल भी मैंने लगा लिया है। तो अभी मैं आप सबको आई लुक करके दिखाती हूँ। तो आई लुक के लिए मैं यहाँ पर एचआर का जो है ये वाला शेड ले लूँगी, ये वाली शेड ले लूँगी, इससे मैं अपने क्रीज को बिल्डअप कर लूँगी। आप कभी भी आई शेडो लगाइए तो आप क्या करना जो है, यहाँ से आप पहले डॉट करके यहाँ पर आप ब्लेंड कर देना, और ब्लेंड करने के लिए थोड़ा वक्त ले लेना, क्योंकि जितना आप ब्लेंड करोगे उतना आपका आई शेडो निखर के आएगा। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने अपनी क्रीज को बिल्डअप कर लिया बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो। तो अभी मैं सेंटर पे जो अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने बताया है आप वेस्टर्न लुक करना चाहते हो या फिर अगर आप लहंगा या फिर अगर आप सलवार साड़ी कुछ भी पहनना चाहते हो उसमें ये लुक बहुत अच्छा लगेगा। मैं पर्टिकुलर कोई सा भी शेड लेके नहीं करूँगी, कि अगर आप ग्रीन ड्रेस पहन रहे हो तो आपको ग्रीन शेडो लगाना पड़ेगा, अगर आप येलो पहन रहे हो तो आपको येलो लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा एक शेड लगाऊंगी जो कि आप हर एक ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से निखर के आएगा ये लोग। तो चलिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये जो शेड आप देख रहे हो, सॉरी, यहाँ पर जो आप शेड देख रहे हो जो कि रोज़ गोल्ड सा है, शाइनी सा रोज़ गोल्ड सा है, तो मैं इस शेड को लेके अपने जो है सेंटर पे लगा लूँगी। और ये रोज़ गोल्ड सा शेड जो है वो हर एक ड्रेस के साथ सूट होता है, बहुत सिंपल लगता है, ज़्यादा जो है वो नहीं लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ हैवी सा आई लुक किया है। और एट द सेम टाइम अगर आप मतलब आपका आई लुक जो है वो बहुत ही अच्छा सा एक शाइन देता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप अच्छा। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आप यहाँ से स्टार्ट करना, जब आप क्रीज बिल्डअप करोगे, जब आप क्रीज लाइन बनाओगे तब आप यहाँ से अच्छे से ब्लेंड करना। और अगर आप कोई सा भी पर्टिकुलर शेड लेके सेंटर पे मतलब लगाना चाहते हो तो आप बस यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे क्या होगा जब आप ऐसे मतलब कहीं पर देखोगे तो आपका जो आईबॉल है वो बहुत अच्छे से मतलब शाइन करेगा और बहुत अच्छा लगेगा। बस
आप देखिए कितना सटल सा अच्छा सा एक आई शेडो क्रिएट किया है मैंने, जो कि आप भी किसी भी ड्रेस के साथ आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रेड ड्रेस पहन रहे हो तो आपको ये आई लुक नहीं, आपको रेड आई लुक करना होगा। आप ये इस आई लुक को आप किसी भी ड्रेस के साथ करोगे, वेस्टर्न हो चाहे आप वेस्टर्न ड्रेस हो, चाहे आप साड़ी में लुक करना चाहते हो, आप किसी भी लुक करना चाहते हो। और आपको कुछ ऐसा दिमाग में, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब ड्रेस पहन लेते हैं उसके बाद हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि आप कौन सा आई लुक करो, इस साड़ी पे कौन सा आई लुक शूट करेगा, ऐसे ही वेस्टर्न ड्रेस पे कौन सा आई लुक शूट करेगा। और तो मैं आप सबको बता देती हूँ, ये जो आई लुक मैंने क्रिएट किया है ये आप किसी भी आउटफिट के साथ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही सटल और सिंपल सा आई लुक है जो कि किसी भी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच हो जाएगा। और कहीं पर जाना है तो आप बहुत अच्छे से, बस दो शेड लगेगा, एक जो है ये शेड, इसे आप अपने क्रीज को बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद आप रोज गोल्ड ऐसा जो शिमरी सा शेड है इसे लेके आप सेंटर पे थोड़ा सा लगा लीजिए, और लाइनर और मस्कारा लगाने के बाद आपका आई लुक और अच्छे से निखर कर आएगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आप आईलैश लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, पर मैं आईलैश नहीं लगाती हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट मस्कारा और लाइनर से ही कंप्लीट कर लूँगी मेरे आई लुक को। मैं यहाँ पर एक और चीज़ करना चाहती हूँ, जो कि अगर आप काजल लगा रहे हो तो ये एसेंशियली मैं बोलूँगी, क्योंकि काजल बहुत जल्दी स्मच हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये बहुत सारे यूट्यूबर ने बताया भी होगा, तो मैं भी यही ट्रिक फॉलो करती हूँ। तो मैं जो यहाँ से जिस आई शेडो से मैंने जिस सेट से मैंने मेरे आईब्रोज को फिल किया है उसी शेड को लेके मैं अपने काजल को थोड़ा सा स्मच कर दूँगी, ताकि वो ख़राब ना हो और बहुत देर तक टिका रहे। इसी तरह मैं इस आई लुक को भी कर लूँगी। तो अभी मैं लाइनर लगा लूँगी, तो मैं यहाँ पर लैक्मे का जो है लाइनर लगा लूँगी। अच्छा, लाइनर में यहाँ पर मस्कारा लगा लूँगी, तो मैं यहाँ पर मेबलिन का जो है कोलोसल मस्कारा ये मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक मेसी सा बन बना लिया है और ऐसे जो है थोड़ा सा लक निकाल लिया है, तो आप चाहो तो बाल को खुला भी छोड़ सकते हो। सॉरी, बहुत नॉइज़ होता है जब मैं वीडियो करती हूँ, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आप चाहो तो ऐसे लट निकाल सकते हो और ऐसे मेसी से बन बना सकते हो, जो कि वेस्टर्न लुक में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप साड़ी पहन रही हो तो आप बाल को खुला भी छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर हुप्स पहना है, क्योंकि मैंने वेस्टर्न ड्रेस ही वेयर किया है। तो आप चाहो तो कोई सा भी अपने पसंद के ईयरिंग पहन लीजिए और आप रेडी टू गो है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा सटल सा एक लुक है। तो वीडियो आप सबका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।